यहाँ पे लिखा हुआ है जो माता जी का दर्शन करने जाना उसके पगथिये मतलब स्टेप्स 999 यानी 10,000 पकड़ लो। गुजरात टूरिज्म, ये मैप है और ऊपर तिरंगा है। बहुत टाइम के बाद एक्चुअली मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ और ये मेरा पहला व्लॉग है जो मैं ऐसे ट्रेन की ट्रैवल वाली व्लॉगिंग बना रहा हूँ। सूरत स्टेशन आ चुके हैं, सूरत की पब्लिक अभी चढ़ेगी। यहाँ पे जो जितना खाली था अब भर जाएगा। कितने बजे हम लोग यहाँ पे पहुँचे? 6:45 बजे। 5:42 ये हमारा डब्बा, स्लीपर है। रात हो जाएगी तो हम लोग सो जाएंगे, तो सीधा मिलेंगे सुबह। बट अभी तो फिलहाल मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ट्रेन में क्या वॉक करने नहीं मिलता ना, तो थोड़ा ऐसा फ्री होना पड़ता है। जैसे स्टेशन आता है 3 मिनट के लिए गाड़ी रुकती है, हम लोग वॉक कर लेते हैं। ये कौन सी नदी सूरत की? सूरत की कौन सी नदी है मैं तो भूल गया ना। वो ब्रिज पे मैंने गाड़ी चलाई है क्योंकि मेरी बुआ रहती, तो मैं जाता हूँ ना उस ब्रिज पे अपनी गाड़ी चली। ये वो 2 रुपया था ये इसमें डाल देना, बचपन में सिखाया था ऐसा क्रॉस करेंगे तो पैसा 1 रुपया डालना है। ओ जान दो समुंदर में डाल रहा हूँ भाई। ओ डाल दिया, भगवान सबका भला करे। भगवान सबका भला करे, शुरुआत मुझसे करे। नहीं वो तो भगवान की मर्जी से कर रहे शुरुआत। ट्रेन नहीं कोई स्टेशन पे रुकी और यहाँ पे है ना रेलवे फाटक रहता है जो क्लोज है, तो आज के टाइम पे तो जैसे सिटी में या कहीं पे भी ना फ्लाईओवर बना के सीधा पास ऑन हो जाते हैं। बट रेलवे स्टेशन के बाहर ऐसा फाटक देख के बचपन की यादें आ गई यार, दिल खुश हो गया। बहुत टाइम के बाद एक्चुअली मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ और ये मेरा पहला व्लॉग है जो मैं ऐसे ट्रेन की ट्रैवल वाली व्लॉगिंग बना रहा हूँ। प्लीज सपोर्ट करना। और हम लोग एग्जैक्टली कहाँ जा रहे हैं वो भी मैं बता दूंगा वीडियो में। और आपको ये सब देख के आपके बचपन की याद आ रही है कमेंट में जरूर बताना। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो कर देना। ये ट्रेन के रिलेटेड जो भी स्टोरीज थी और फोटोज है मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड की हुई है। पंजाबी डिश दे देना, पंजाबी डिश गुलाब जामुन आएगा ना। गुलाब जामुन आएगा ना डिश में मगर पक्का। हाँ इसके लिए ले रहा हूँ मैं पंजाबी डिश। अच्छा 4-5 जन आते अलग अलग? 4-5 जन के ज्यादा आते हैं। आपको उल्लू बना के दे। आपका नाम क्या? मेरा नाम महमूद है। हाँ तो मतलब आप, मैं पूछ लूंगा ना, नाम महमूद भाई है तो ही लूंगा। हमारा लंच, फर्स्ट लंच, अरे लंच नहीं डिनर। 1-2 चावल है, रोटी है, गुलाब जामुन है और बहुत कुछ है। हम लोग खोल के खाएंगे। यहाँ पे थेपला है, आलू की भाजी है, अभी दही ले लिया। अभी पूरा खाना खा लेते हैं और बाद में आप लोगों से मिलते हैं क्योंकि खाना खाना बहुत जरूरी है। अभी थोड़ी देर में अहमदाबाद आएगा बट इनको सुबह 3:30 बजे उनका राजकोट स्टेशन आएगा तो उतर जाना है। इसके लिए अभी सो रहे हैं। तो डाउन बर्थ, मिडल बर्थ, अपर बर्थ, यहाँ पे मैं सोऊंगा, यहाँ पे हेमंत सोएगा, यहाँ पे ये भाई साहब है। नींद तो जल्दी आएगी नहीं क्योंकि मोबाइल है इसके लिए। तो अहमदाबाद से पानी की बॉटल लेनी है और फिर बाद में हम लोग सो जाएंगे तो सीधा मिलेंगे जूनागढ़ में। सुबह के 5 बज जाएंगे। राजकोट आ चुका है और सुबह के बजे अभी 3:15। यहाँ पे हेमंत सो रहा है, यहाँ पे चले गए। मैं यहाँ पे सोया था बट अभी यहाँ पे सोगा। यहाँ से चले गए, यहाँ से भी चले गए। ट्रेन देखो कितना खाली हो गया। सुबह के 3:15 बजे नींद तो आ ही नहीं रही है बिकॉज ट्रेन में ट्रैवल करते हो तो सामान का ध्यान देना पड़ता है। जो हमारे साथ तो बातचीत कर रहे थे बता रहे थे चोरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सुबह 5 बजे अभी हम लोग का आएगा जूनागढ़। अभी बजे सुबह के 5:30 बजे, ट्रेन थोड़ी लेट हो चुकी है। एक्चुअली हम लोग को पहुँच जाना चाहते हैं जूनागढ़। कोई बात नहीं, हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं ये पोर्ट का। मोबाइल चार्ज कर लिया, गोप्रो चार्ज कर लिया, ईयरफोन चार्ज कर लिया। ट्रेन में एक ही स्विच मिलती है तो मैंने एक्सटेंशन बोर्ड लाया हुआ था, ये जो है जो हेमंत को बहुत पसंद भी आया, बोला मुझे ख़रीदना है। तो आपको 1, 2, 3 पोर्ट मिल जाते हैं, साथ में 2 USB पोर्ट है। 100% मोबाइल चार्ज हो चुका है। उससे क्या फ़ायदा होता है कि ट्रैवलिंग को आपको आसान होगा, वरना क्या मोबाइल डाउन हो जाता है। और अपना ये मोबाइल फास्ट चार्ज भी होता है, सैमसंग का है पता है ना। इससे वीडियो भी मैंने बनाया है, आने वाले व्लॉग में सब कुछ देखने मिलेगा। और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो प्लीज़ कर लेना। एंड दूसरा, अपना DSLR से मैं शूट कर रहा हूँ तो लो लाइट में थोड़ा शूट नहीं करते, इसलिए मोबाइल की लाइट मैंने चालू करके वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ट्रेन में तो नींद आई नहीं बट हेमंत 2 घंटा सोया तो अच्छा। हेमंत 2 घंटा अच्छी तरह सोया, मैं तो सोया नहीं हूँ। और ट्रैवलिंग में ज़्यादातर सोने होता भी नहीं है,
ये सामान का ध्यान देना पड़ता है, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे चोरी हो गया तो। अभी जूनागढ़ पहुँचे आधा एक घंटा लगेगा, ट्रेन लेट हो चुकी है। पहुँचने के बाद सीधा हम लोग होटल में जाएगी और वहाँ पे रेस्ट करेगी, और आगे का जो भी कामकाज रहेगा वो तो व्लॉग में पता होगा, बट शायद ये व्लॉग मैं यहाँ पे एंड कर दूंगा। तो मैं एंड करने के बाद जो लाइक सब्सक्राइब वो करता हूँ वो भी कर लेना, क्योंकि एक ऐसा रहता है कि ट्रैवलिंग में पता ही नहीं चलता है व्लॉग कब एंड करेगी और कब स्टार्ट करेगी। तो आपको इसलिए मैं पहले से ही बता दूँ कि आने वाले वीडियो में भी जब भी मैं एंड कर लूँ वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, अच्छा लगे वीडियो तो शेयर भी कर देना। तो आप लोगों को पता तो चलेगा कि मैं जूनागढ़ आ रहा हूँ, बट जूनागढ़ में क्या काम से आ रहा हूँ हाँ वीडियो में मैंने बताया था, बट डेस्टिनेशन तो नहीं पता ना, उसकी पूरी डिटेल भी दूंगा वीडियो में, बने रहना। जूनागढ़ स्टेशन आ गया और हम लोग उतर चुके, बट जैसे मैंने बताया मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, हेमंत तो यहाँ पे बार बार आया बट उसको यकीन नहीं हो रहा कि ये जूनागढ़ स्टेशन है। तो हम लोग ने कंफर्म किया, चार पाँच जन को पूछ के कि भाई जूनागढ़ आ गया ना, ये जैसे बताया कि ट्रेन लेट भी है और सुबह के अभी 5 बजे है, तो पता नहीं चलता ना कि भाई सच में ये जूनागढ़ ही है ना, बट है जूनागढ़ ही है। तो हम लोग सही टाइम पे सही जगह पे उतर चुके हैं। अभी आगे की जर्नी जैसे होती है मैं वीडियो में बताते जा रहा हूँ। अभी लो लाइट है बिकॉज ऑफ जैसे मैंने बताया सुबह का टाइम है, अंधेरा है। प्लेटफॉर्म पे भी ज़्यादा लोग उतरे नहीं है, यहाँ पे बोर्ड मारा हुआ है, ये रहा ना देखना गिरनार लिखा है, जैन मंदिर नरसिंह मेहता जूनागढ़, हाँ ये रहा बोर्ड। भाई हम लोग जूनागढ़ में ही है, पता चल गया सही जगह पे रुक के मैंने बोर्ड देख लिया कि जूनागढ़ ही है। जूनागढ़ स्टेशन से बाहर निकलोगे तो बहुत सारे रिक्शा वाले हैं और हमको जाना है भवनाथ, बट रिक्शा वाले 100 रुपया मांग रहे हैं, बट हेमंत बोल रहे हैं कि 40 से 50 रुपये में पहुंचाना चाहिए क्योंकि 7 किलोमीटर ही दूर है। रिक्शा वाले तो खुद बोल रहे हैं 5 ही किलोमीटर दूर है, तो उस हिसाब से हम लोग पैसे की बार्गेनिंग कर रहे हैं क्योंकि कम पैसे में घूमना बहुत अच्छी बात रहती है, वरना पैसे खर्चे करने जाओ तो कितना भी कुछ होता है। तो हम लोग रिक्शा वाले से बार्गेनिंग करके 40 से 50 रुपये में भवनाथ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। पहुँच जाएंगे तो बता दूंगा कि कितने पैसे में पहुंचे। तो जैसे मैंने बताया कि रिक्शा वाले लुटते थोड़ा बहुत, यहाँ नहीं पूरे इंडिया में कहीं भी जाओ सब जगह लुटते हैं, बट हेमंत को प्राइस मालूम था तो थोड़ा सा छिल के आए, मतलब 5 मिनट आगे, और जैसे मैंने बताया 40 रुपये में अभी हमको लेके जाइए हमारे डेस्टिनेशन में भवनाथ ना, भवनाथ तड़े टी बोलते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो माफ़ कर देना क्योंकि पहली बार ये सब प्रोनाउंसिएशन बोल रहा हूँ। पे हम लोग जो गुजराती फास्ट फूड रहता है वो खा रहे हैं, जैसे एक समोसा है, जलेबी है, गाठिया है, वो खा रहे हैं। फिर वहाँ पे होटल है तो वहाँ पे जाके अभी स्टे करेंगे। तो अभी तो फिलहाल बैग यहाँ पे रखी है, तो हेमंत को भूख लगी है, मुझे भी लगी है थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं, बट खा लेते खाना, फिर बाद में जाके होटल दिखाता हूँ। क्या बोलते हैं इसको, गुजराती गाठिया, वनेला गाठिया, वनेला गाठिया। गुजरात की नेक्स्ट आइटम है खमन, खमन ढोकला, ये व्हाइट कलर का भी आता है ना सैंडविच ढोकड़ा, मजा आता है। यहाँ पे लिखा हुआ है जो माता जी का दर्शन करने जाना है उसके पगथिये मतलब स्टेप्स 999 यानी 10,000 पकड़ लो, गुजरात टूरिज्म। ये मैप है और ऊपर तिरंगा है, और ये रहा मंदिर का दरवाजा, ये गेट से ऊपर जाना है, 6,000 स्टेप्स चढ़ने के बाद माता जी का मंदिर आएगा, और उसके बाद 4,000 स्टेप चढ़ोगे तो गुरु दत्तात्रेय मंदिर आएगा।